खबरों की शुरुआत करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फ्रिंगेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तमाम पदों पर रहकर संगठन के लिए काम करने वाली महिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कामों को गिनवाया गया है, उनकी उपलब्धियां गिनवाई गई। साथ ही कहा गया, नरेंद्र मोदी की सरकार में कई योजनाएं आम नागरिकों के हित में चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास हर घर का सपना साकार कर रहा है। नागरिकों को, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए कई योजनाएं बेहद फायदेमंद साबित हुई हैं। साथ ही राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से इन तमाम योजनाओं को और बेहतर क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयासरत है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाने का काम करेगी निश्चित रूप से इस योजना के तहत, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनकी भी जितनी भी महिला सशक्तिकरण की योजना है उन योजनाओं के लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और लाडली बहना योजना के लिए और महिला सशक्तिकरण की जितनी योजना है उन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से मेहनत करके हमने सारे बहनों के फॉर्म करवाए, और 1 से अभी 10 तारीख के बीच में जो प्रमाण पत्र बैठेंगे वो भी हम घर घर जाके ये बहनों का अंदर नाम आया है। उज्जैन में रविवार की शाम तेज आंधी के चलते महाकाल लॉक कॉरिडोर में स्थापित की गई मूर्तियां गिर गई हैं और टूट गई। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लॉक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए रही, जिसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए में पूरा काम किया गया। रविवार को अचानक से शाम को तूफान आया और आंधी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी ये सप्त ऋषियों की मूर्तियां नुकसान से टूट गई हैं। साथ ही गिरकर टूटी हैं ये मूर्तियां, काफी नुकसान हुआ है। इसमें कई मूर्तियां जमीन पर गिरी हैं और कई मूर्तियों के हाथ और सर के हिस्से जो हैं वो टूट गए हैं। रविवार को होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे हुए थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि इतने नुकसान के बाद भी किसी श्रद्धालु को कोई चोट नहीं आई है। और ये जो मूर्तियां हैं जो गिरी हुई हैं टूटकर वो देखी जा रही हैं। साथ ही कई नुकसान हुआ है, कई पेड़ भी इस दौरान गिर गए हैं, और गनीमत ये रही कि श्रद्धालुओं में से किसी के जनहानि होने की खबर नहीं आई है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मुद्दे पर बात की है। साथ ही आईएसआईएस के आतंक पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, पुलिस लगातार शिकंजा ऐसे लोगों पर कस रही है जो लव जिहाद को अंजाम देते हैं। यही दिल्ली और मध्य प्रदेश पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, जिसमें किसी को यहाँ पर सर उठाने नहीं दिया जाएगा। 3 लोग जो मिले हैं वो आईएसआईएस के लिए काम करते थे। एनआईए लगातार जांच कर रही है। आतंक का कोई भी कृत्य वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। इस 9 साल के पहले देश कराह रहा था, कहीं 2G घोटाला था, कहीं 3G घोटाला था, कहीं जीजा जी का घोटाला था, सारे घोटालों से देश कराह रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया, और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। जो कभी प्रतिबंध लगाते थे मोदी जी पर, वो रेड स्क्वायर पर रेड कार्पेट बिछा करके अगवानी होती है मोदी की। पैर छिए जाते हैं मोदी जी के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा।
ये देश की लोकप्रियता है, ये व्यक्ति का नहीं है, ये देश का सम्मान है। दो बार तो टल चुकी थी और आज बैठक है, और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जिस तरह से कमलनाथ जी स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू अध्यक्ष हैं, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष है, स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री, आज विस्फोट होने वाला है दिल्ली की बैठक में। आप देख, मल्ला जी को ये बात सोचना चाहिए कि वो बल्लभ भवन है, वहां से सरकार चलती है, आईफा अवार्ड थोड़ी है जो पास जारी करोगे आप। हम पहले ही कहते थे कि बल्लभ भवनों को दलाल का अड्डा बना दिया। बल्लभ भवन जनता का बल्लभ भवन है, कांग्रेस का बल्लभ भवन नहीं है। वह आम जनता जाती है, आम जनता की समस्या है और सरकार चलती है वहां से। किस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, उम्र हावी होती जा रही है। कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर, के किसी अस्पताल में, किसी राहत सेवर में किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी देखे होंगे, दिखे ही नहीं होंगे आपको। बाढ़ आई थी मंदसौर की तरफ, गए ही नहीं। और तो और ऊपर बल्लभ भवन में बैठे रहे, नीचे तालाब में हमारे नौजवान चले गए थे हमारे बीच से नाव पलटने पर, जो मूर्ति विसर्जन की घटना थी। और इसलिए आप सब जानते हो कि बमंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बमंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा। सिकंजा है जो मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार कसती है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, मूल इसमें एटीएस और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी मध्य प्रदेश। किसी को कहीं सुर नहीं उठाने दिया जाएगा। जहां तक आपने वकील का विषय पूछा है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। वो उसके घर में जो राउंड मिले थे वो उसका विषय था, और ये विषय जो तीन लोग पकड़े गए हैं, सैयद मसूद अली, मोहम्मद आदिल खान और मोहम्मद शाहिद, ये आईएसआईएस के लिए ये काम करते थे, और कई चीजें उसके बाद में सामने आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, चूंकि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास में। और उज्जैन में कांग्रेस कार्यालय के शिष्टाचार पहुंचे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच चर्चा की गई है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर उजागर किया गया है। खुले मंच पर उद्बोधन भाषण देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल पर युवक कांग्रेस के उज्जैन संभाग के कार्यकारिणी के मेंबर और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ यहाँ पर पहुंचे और तमाम कार्यकारिणी के मेंबर भी उपस्थित रहे। तमाम चीजें बाहर निकल के आया है तो इन लोग ने हम दो हमारा दो के बारे में इनको बात करना, और असली मुद्दा पे कभी बात नहीं करता है। जब भी आप बेरोजगारी के बारे में पूछेगा, इन लोग ने पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, महंगाई के बारे में आप बात करो, आओ ये लोग ने हिजाब के बारे में बोलेगा। तमाम ऐसे ही धर्म के नाम पे इन लोग ने लोगों को गुमराने के लिए जो कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी ने जो स्कीम्स निकाला है, और युवा कांग्रेस ने घर घर तक इसको पहुंचाने का काम भी करेंगे, और यहाँ जो बदला लेने का समय आया है, इस तरीके के लोकतंत्र को इन लोग ने खत्म करने का काम के बनिस्बत आई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी उज्जैन आए हैं, और यहाँ पर युवाओं का जो जनसैलाब श्री निवास जी के लिए उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि 2023 में यानी कि कुछ महीनों बाद कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, और युवाओं ने ठान लिया है। सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है, बाबा महाकाल के साथ छलावा है, यानी कि जिस तरीके से एक तेज हवा का झोंका मूर्तियों को गिरा देता है,
भ्रष्टाचार हुआ है, तो बाबा महाकाल के साथ भी ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, शिप्रा मैया के साथ भ्रष्टाचार करते हैं और खुद को हिंदूवादी कहते हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। गाँव के बनिस्बत मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में पॉलिथीन डस्टिंग मशीन का शुभारंभ कर दिया है। नगर पालिका परिषद को 20 कचरा गाड़ियों की सौगात भी सौंपी गई। 50 लाख की लागत वाली पॉलिथीन डस्टिंग मशीन और 20 कचरा गाड़ियों को भी परिषद के सुपुर्द कर दिया गया है। कचरा वाहनों के काफिले में शामिल एक वाहन को गृह मंत्री ने काफी दूर तक चलाया, साथ ही उन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा गया कि आसपास के पहाड़ियों को भी पर्यटक स्थल के रूप में नगर पालिका विकसित करे। मंत्री मिश्रा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि विदेशी पक्षी भूमि में और कबूतरों को पार्क में विस्थापित करने की सलाह भी है। निरंतरता लगती है, निरंतरता कष्टदायी होती है। व्यक्ति का स्वभाव है कि वो एक दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, दो दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, पर रोज रोज तो उसे अगर कोई दिक्कत आए तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कहावत है कि एक रोज का रोना हो तो किया जाए सबर, पर रोज रोज के रोने को कहाँ से लाए जिगर। जिगर मुरादाबादी का है। कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने पार्क कहा, पार्क बनाने में बनने में बहुत अच्छा लगता है, मेंटेन में बहुत तकलीफ होता है। इसलिए यही कारण था कि अपने दतिया के पार्क में जो पुराने थे, पुराने टाइम में गधे बंधने लगे, वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इसी स्थान पे मैंने कहा कि जैसे अभी कुरेशी जी बता रहे थे इग्नू पक्षी है, इमू पक्षी है, इमू है कि इग्नू है, वो इमू पक्षी को आपने कहा लोग सैलानी आए घूमने आए, इमू पक्षी ऐसा है विदेशों में उस पर बैठ के लोग दौड़ मर, आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है, कितना मजबूत पक्षी होगा, आदमी की हाइट उसकी चोंच तो आदमी की हाइट पे निकलती है, वो लाके चार पांच छोड़ देना चाहिए। कबूतर है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें आपको मेंटेन नहीं करना, जैसे कबूतर कंकड़ खा के जी सकते। मध्य प्रदेश की डिंडोरी से खबर है जहां पर कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जिला संगठन प्रभारी कदीर सोनी जबलपुर का डिंडोरी आए और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष को धैर्य रखना चाहिए था। साथ ही भी कहा गया कि भाजपा के एजेंट थे, अच्छा हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधायकगण, सभी हमारे पदाधिकारीगणों ने जो यहाँ पर प्रस्ताव पास किया है उसमें माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष महोदय के ऊपर हमारे आरोप लगाया है, एक विकास पुरुष जिनको जो है पिछले कार्यकाल में एक षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकार को अलग करके 15 महीने में अगर आज वो सरकार नहीं गिराई गई होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति, आज विकास जो रुका हुआ है 18 सालों में जो है नहीं हुआ, आज नारी सम्मान योजना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लागू की, 1500 रुपये हर महीना हर बहन को, जितने भी घर में महिलाएं उनको दी जाएगी। विदिशा में पुलिस ने एक घर से चोरी कर फरार हुए घर के नौकर को 20 लाख रुपए के साथ वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकर ने अपने जीजा के कहने पर ये चोरी की थी। जानकारी के अनुसार विदिशा के विच्छल नगर में घर से 26 मई को घर से काम करने वाले ही एक नौकर ने चोरी की। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही इस आरोपी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि विच्छल नगर में एक घर में चोरी हो गई है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, साथ ही साथ आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो पुलिस को एक जानकारी लगती है कि जो घर में काम करने वाला एक सेवक है जो नाबालिग है उसके द्वारा ही यह चोरी की गई और लगभग उस घर से 20 लाख रुपए इसने चोरी किए थे जो पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि विट्ठल नगर में एक घर में
मध्य प्रदेश के सभी सर्व ब्राह्मण समाज 4 जून भोपाल को जबूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ के सभी सर्व ब्राह्मण परिषद एकत्रित होंगे। कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर काका ने बैरसिया विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद शास्त्री को नियुक्त किया था। इसी की जिम्मेदारी निभाते हुए आज बैरसिया में सर्व ब्राह्मण परिषद ब्राह्मण महाकुंभ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद शास्त्री ने महर सिद्धि कॉलोनी के भवन में कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में समाज के संरक्षक मंडल मार्गदर्शक मंडल ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष प्रबंधकारिणी के जो 4 जून को बैठक होने जा रही है, महाकुंभ होने जा रहा है, उस पर अहम जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन और ग्रुप मुख्यालय सागर के निर्देश अनुसार एटीसी 8 एनसीसी कैंप 461 बॉयज और गर्ल्स कैडेटों को उनके साथ कैंप की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कैडेटों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, इन्हें शास्त्रों का खोलना और उसको जोड़ना चलाना, नक्शे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं, दूरी का अंदाजा लगाना और ऐसी तमाम जो अहम जानकारियां हैं वो उन्हें दी गई। रोटी पूछ के देना, जितनी मांगे उतनी देना, ठीक है। अमारानी वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण में भूमि पूजन समारोह में पहुंचे संसदीय सचिव जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, जहां कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्री जैन ने नगर निगम सभापति कविता साहू, बागीय समाज के अध्यक्ष मनोरंजन राय, वार्ड परिषद का स्वागत किया है। विधायक रेखचंद जैन ने सामाजिक सदस्यों के साथ विधायक निधि से लगभग 10 लाख रुपए से वार्ड में सामुदायिक भवन बनाने और भूमि पूजन किया। शहर में पिछले कुछ दिनों से जो चोरियाँ हुई उसमें पाया गया है कि जो बाहर से आए हैं और किसी मकान में किराएदार के रूप में 2-4 दिन वक्त बिताया है, शायद विदेगी की और उसके बाद चोरी घटना को अंजाम दिया है। एहतियातन इसलिए हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है और मकान मालिक से अनुरोध किया गया है उस प्रोफार्मा को वर्ग थाना में जमा करवाएं। उस प्रोफार्मा में मकान मालिक अपनी जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो उनके घर में किरायेदार रहने आए हैं उनकी और जो सदस्य हैं उसके साथ रह रहे हैं उसकी भी जानकारी देंगे, खासतौर पर उसके एक मोबाइल नंबर, आधार नंबर और वो किस पर्पज़ से या क्या व्यवसाय कर रहे हैं, उसके पास किस तरह के व्हीकल, किस तरह की जानकारी चाहिए गई है। इसका मूल मकसद यह है कि अगर इस तरह के व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देकर यहाँ से निकल जाते हैं तो उनकी पतासाजी में पुलिस को मदद मिलेगी और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह पे अपराध करके यहाँ आकर रहता है तो उसे भी हम जब उसकी जानकारी मिलेगी तो संबंधित थाना से शेयर करेंगे और जिसके पास वो जो थाना है संबंधित थाना उसको आसानी से गिरफ्तार कर पाएगी। इस तरह से जो आरोपी किसी घटना को अंजाम देके फरार हो गए हैं या आकर के कोई घटना को अंजाम देते हैं उसको पकड़ने में बहुत ही सहूलियत। और जगदलपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि शहर में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस विभाग ने यहां पर मकान मालिकों और उनके किराएदारों को लेकर अहम जानकारी दी है। बताया गया है कि अब किराएदारों की भी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी। पुलिस विभाग के द्वारा इसका एक परफॉर्मा भी लागू कर दिया गया है। साथ ही सभी मकान मालिकों से अनुरोध किया गया है कि इस परफॉर्मा के हिसाब से ही सारी जानकारियां पुलिस विभाग को उपलब्ध कराएं। और जगदलपुर में इंडियन जिम की तरफ से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करवाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई जिलों से युवा कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस प्रतियोगिता के दौरान बस्तर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 17 सालों से ये कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाता रहा है, हालांकि कोरोना के चलते 2 सालों से आयोजन नहीं हो पाया था। इसी कॉम्पिटिशन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। साथ ही बस्तर संभाग के हजारों लोग इस कार्यक्रम में साक्षी बनने पहुंचे। इस कॉम्पिटिशन में प्रथम और द्वितीय आने वाले युवाओं को शील्ड और राशि देकर सम्मानित किया गया। Thank you.
जो पिताजी है अभी कितने सालों से ये कार्यक्रम करा रहे हैं? 17 साल से करा रहे हैं। और अब मंदसौर की ओर रुख करेंगे, जहां पर जिले में सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आई है। दलौदा के रेलवे भावगढ़ फटे पर अचानक से बस पलटी और इसके बाद ये दुर्घटना घटी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चलें कि ये बस जो कि पलट गई है, जेसीबी की मदद से उसे सीधा करा गया है और दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस सवार 19 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार की तरफ से देने की घोषणा की गई है। आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक दलौदा थाना क्षेत्र में भावगढ़ फंटे के पास में एक बस थी, चार्टर्ड बस थी, जो कि पलट गई थी और उसके इसी दुर्घटना में करीब अभी जो पुष्टि हुई है उससे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और करीब 19 घायल हैं इसमें। और अभी इस डेटा को और समायोजित किया जा रहा है कि कुछ घायल अन्य अस्पतालों में भी हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसमें अभी तक प्रथम सूचना यही है। आज भोपाल से नीमच आने वाली एक बस थी जो दलौदा से पहले पलट गई। आई थिंक जो भी उसका कारण अभी पता करेंगे हम लोग। बस में सवारियां टोटल आई थिंक 30 के आसपास थी, 3 महिलाओं की डेथ हुई है उसमें, 19 लोग घायल हैं, उसमें भी जो सीरियस लोग हैं उनको हम रेफ़र भी कर रहे हैं, उदयपुर और इंदौर रेफ़र कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम सुरक्षित हैं, उनमें कोई ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, उनको यहीं प्राथमिक उपचार के बाद हम फ्री कर रहे हैं। डेथ जिनकी हुई 3 महिलाओं की, उनको हम 4 लाख रुपये का मुआवजा भी शासन की तरफ से दे रहे हैं और उनकी बॉडी पहुँचाने का और सारा उनके सभी जो परिजन हैं उन। और जगदलपुर में शहर में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, रास्तों में उड़ती धूल और शहर के प्रत्येक नालियों में गंदगी फैली हुई है। वार्डवासियों को कचरों के ढेरों से होकर मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में अलग कहानी बयां कर रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस सड़क पर किस तरीके से खुले में कचरा फैला हुआ है। नालियां कचरों की वजह से बंद हो चुकी हैं। शहर में धूल इस तरीके से उड़ रही है जैसे कोई धूल या तूफान शहर में प्रवेश कर चुका हो। जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि विधायक और महापौर की आपस में तालमेल नहीं है, इन्हीं कारणों के चलते शहर में जो है इस तरह की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए जनता से झूठे वादे करके कुर्सियों पर काबिज है। कांग्रेस की सरकार का नगर निगम पे रहा और जनता से इन्होंने जिस प्रकार से झूठे वादे करके नगर निगम की सत्ता हासिल की, आज आप देख रहे होंगे जगदलपुर की हर वार्डों पर कचरा का जमाव है। नालियों से पानी का जो घरेलू उपयोग की पानी है उसका रिसाव नहीं हो रहा है, बरसात के दिनों में ये नालियां जो है दम तोड़ देती हैं। इसके अलावा शहर के प्रत्येक मार्गों में आप जहां पर भी जाएं वहां पर धूल का जो गुबार उड़ रहा है, जिससे धूल का गुबार उड़ने से जिससे लोगों का सांस की बीमारी और अन्य जो बीमारी है स्वास्थ्य के कारण ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जगदलपुर में लामनी रेलवे ट्रैक पर एक युवक ने मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल युवक की पहचान हो नहीं सकी है और पुलिस सोशल मीडिया और बाकी अन्य माध्यमों के जरिए युवक की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।